और इसी कड़ी में एक और बड़ा बयान है ब्रिटेन के आर्म फोर्सेस मिनिस्टर का। ये कह रहे हैं कि बिना किसी वार्निंग के रूस हमला कर सकता है। ब्रिटेन के आर्म फोर्सेस के मिनिस्टर हैं और उन्हीं का ये स्टेटमेंट है कि बिना किसी वार्निंग के रूस हमला कर सकता है। अफगान जैसे हालात तो एयरलिफ्ट ऑपरेशन मुश्किल होंगे। ब्रिटेन के आर्म फोर्स मिनिस्टर का ये बयान। अमेरिका भले ही यूक्रेन के साथ खड़ा है लेकिन उसने कीव में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। देशों का दो गुट है और दोनों ही गुटों ने अपने दो चेहरे बना रखे। मतलब ये कि ऊपर सब के सब इस बात के हिमायती हैं कि युद्ध ना हो और कभी कभी तो ये भी कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होगा, हम बातचीत से मामला सुलझा लेंगे। लेकिन सच तो ये है कि सबको पता है कि जंग कभी भी हो सकती है और इसका आधार भी है। उनके लिए ये जो फैसले हैं वो साफ बता रहे हैं कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकती है। ये देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव, यहाँ पर अमेरिका ने अपना दूतावास बंद कर दिया है। अमेरिका भले ही साथ यूक्रेन के हो लेकिन बर्बादी का डर उसे भी है। अमेरिका ने काफी डिप्लोमेटिक तरीके से ये किया है। एक तरफ वो कह रहा है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहा है कि यूक्रेन के साथ संचार खुला रखेगा और अपनी एम्बेसी बंद कर दी। यूक्रेन में प्राइवेट फार्म में काम कर रहे अमेरिकी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी भी दोहरा दी। मतलब युद्ध की आशंका है, अमेरिका इससे इनकार नहीं कर रहा और यूक्रेन के साथ भी खड़ा है, लेकिन उससे ये भी पता है कि रूस इसमें हावी होगा और यूक्रेन में ज्यादा तबाही मचाएगा, इसलिए वो अपने नागरिकों को सुरक्षित करना चाहता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।